कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज बनाएंगे हम मूंगफली रोल। तो मूंगफली रोल बनाने के लिए यहाँ पे हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। ये 200 ग्राम दाने लिए हैं मैंने, और 200 ग्राम दाने को हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं। पहले हम सबसे पहले इन्हें हम सेक लेंगे ताकि इनके छिलके आसानी से निकल जाए, और जब ये अच्छे से सेका जाएंगे ना तो फिर हम हाथ से मसल मसल कर इनके छिलके हटा लेंगे। तो गैस की चाल अभी मैंने मीडियम कर रखी है, मीडियम चाल पर ही मैंने इन्हें सेका है। तो देखिए किस तरीके से इनके छिलके निकलने लगे हैं। यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है, थाली के अंदर मैंने दाने निकाल दिए हैं, और अब हाथों से मसल मसल कर सारे छिलके हटा देंगे। और ये देखिए छिलके हटा दिए। छिलके हटाने के बाद में अब हम मिक्सी जार ले लेंगे, और मिक्सी जार के अंदर इसे पीस लेंगे। पीस कर हमने एक पाउडर बना लिया है, और ये देखिए किस तरीके से दरदरा पाउडर बनाया है। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जिस कटोरी से मूंगफली के दाने लिए थे ना, बस उसी कटोरी से मैंने चीनी ले ली है। तो चीनी मैंने आधी कटोरी ली है, एक कटोरी मूंगफली के दाने थे तो आधी कटोरी चीनी ली है। इसके अंदर आधी कटोरी हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए पानी डालने के बाद में अब हम गैस की चाल को थोड़ी सी अभी मैंने हाई रखी है, उसके बाद हम कम कर देंगे। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर के 2 छोटे चम्मच डाले हैं, क्योंकि इससे भी है ना फ्रेंड्स इसका फ्लेवर जो रहता है ना, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इसलिए यहाँ पे देखिए 1 से 2 तार बनने लगे हैं। तो बस हमारी चाशनी बन के तैयार है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है ये मिठाई। और इसका टेस्ट जब आप खाओगे ना तो ऐसा आएगा जैसे काजू कतली खा रहे हो। काजू कतली खाते हैं ना, बस वैसा ही टेस्ट इसका आता है। तो बादाम कतली भी बनती है, काजू कतली भी बनती है। तो आज हम बना रहे हैं मूंगफली की रोल। तो मूंगफली की आप कतली भी बना सकते हो। ये देखिए अच्छे से इसको चाशनी के अंदर चला लेना है, और गैस की चाल को अभी हमने कम कर दिया था। उसके बाद फिर हमने निकाल लिया है। तो अभी निकाला जब कितना पतला दिख रहा है आपको कि जैसे इसके रोल बनेंगे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा ना वैसे वैसे रोल बन जाएंगे। इसके अंदर आप चाहो तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हो, छोटा चम्मच आधा घी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने थाली के अंदर पहले ही घी लगा लिया था। यहाँ पे आप कौन सा भी कलर ले सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो वो कलर आप ले सकते हो। मैंने लिया है यहाँ पे हरा कलर और रेड कलर लिया है। तो रेड कलर तो मैं थोड़ा सा डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि एकदम रेड रेड रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता, बच्चे पसंद नहीं करते मेरे यहाँ। तो बस मैंने ये देखिए थोड़ा सा डाला है ताकि ये थोड़ा सा रेड दिखे। इसलिए तो एक पार्ट जो है हमारा उसे हम वाइट ही रखेंगे, उसे है ना हम कलर नहीं मिलाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों मैंने कलर वाले कर लिए, एक बिना कलर का रखा है। तो चलिए करते हैं बनाना शुरू। तो यहाँ पे हमने थाली के ऊपर एक पन्नी बिछा दी है, और एक है ना हमने लोई ले ली है, इसकी एक लोई बना ली थी हमने बड़ी साइज की। और उसके बाद जब आप इस तरीके से इसको पन्नी लगाकर बेलोगे ना तो इतने अच्छे से बेल जाएगी, और बिल्कुल भी आपकी रोटी नहीं फटेगी, कहीं से टूटेगी भी नहीं, नहीं फटेगी ये। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से इसे रोल बनाया था। अभी जो हमारा वाइट वाला पार्ट है ये है थोड़ा क्योंकि नरम है, क्योंकि चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म थी इसके अंदर, तो ये थोड़ा नरम है, लेकिन अच्छा है, नरम है ना तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए मैं किस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ, बस इसी तरीके से करना है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है, और देखने वाले को भी अच्छी लगती है दिखने में। पूछेंगे ज़रूर आपसे कि ये कैसे बनाई आपने, क्योंकि दिखती इतनी अच्छी है। तो ये देखिए अब जो हरा वाला पार्ट था उसे भी हमने ले लिया है, इसे भी हम इसी तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए और एकदम पतली सी रोटी हमने इसकी बेल ली है। पतली सी रोटी बेलने के बाद में जो ये हमारा रोल था ये इसके ऊपर रख के हम फिर से उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने अभी वो वाली येलो वाली रोटी करी थी। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने फोल्ड कर लिया, उसके बाद थाली के ऊपर रख के इसकी जो आइट साइड ये किनारे है ना पहले इनको हम कट कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर आपका ये जो है रोल ये थोड़ा सा नरम लग रहा है तो आप फ्रिज में रख दीजिए, मेरा नहीं था नरम तो मैंने नहीं रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिल्वर पन्नी लगा दी इसके ऊपर, चांदी की परख लगा दी है, और परख लगाने के बाद में यहाँ पे कट करेंगे। तो ये देखिए आइट साइड के रोल हमने कट कर लिए, उसके बाद हम मिठाई
का शेप देंगे। तो ये देखिए मिठाई का शेप किस तरीके से दे रहे हैं, कैसी मिठाई निकल रही है हमारी। तो हो गई ना तीन कलर की मिठाई, बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स देखने में भी। और अगर आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो पूछेंगे जरूर कि ये मूंगफली की मिठाई आपने किस तरीके से बनाई। यहाँ पे मेरा चाकू चल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने मिठाई को कट की है। तो देखिए आप देख सकते हो मिठाई कैसी बनी है। और आज का मेरा आपको ये मिठाई वाला वीडियो कैसा लगा। तो ओके बाय बाय।